तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात कर लेते हैं उस विवादित बयान की, और आपको बता दें कि जो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर हैं, विवादित बयानों से इनका पहले से ही नाता रहा है और लगातार इस तरह से विवादित बयान देते हैं, और फिर से विवादित बयान तो दे दिया है लेकिन इसे लेकर सियासत हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर, और उनको कहा है कि देखिए तालिबान सोच का व्यक्ति बताया है, यहाँ तक कह दिया कि दूसरा जिंदा बनना चाहते हैं वो, और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू हैं। जैसे हिंदू शब्द ही बोला है, सारे लोग हैं, वो DNA टेस्ट करा में, उन्होंने अपने पूर्वजों को बदल लिया है, DNA टेस्ट करा में ना, तो वैज्ञानिक विज्ञान इतना बढ़ गया कि सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन वो कट्टरपंथी सोच नहीं चलेगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए आशुतोष, जब भी हरिभूषण ठाकुर का नाम आता है जहन में यही आता है कि विवादित बयान तो ये देंगे। आपको याद होगा, अगर उनके बयानों को याद करें, कभी वो अफगानिस्तान भेज देते हैं, कभी पाकिस्तान किसी को भेज देते हैं। दूसरी बात, उन्होंने ही कहा था कि देखिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये गलत कहा गया है। चलिए, लेकिन फिर से उन्हें याद आ जाता है कि हिंदुस्तान में जो भी सभी मुस्लिम हैं उनके पूर्वज हिंदू, तो क्या लगता है इस तरह से बयान देना, क्या वो वाकई चाहते हैं कि सुर्खियों में रहे? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व कहती है सबका साथ सबका विश्वास, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से बयान देना एक तरीके से वाकई ये समझा जाए कि एक राजनीति में भूचाल लाने की पूरी कोशिश? देखिए जरूर, और हरिभूषण ठाकुर बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलते हैं, और इसी के तहत आपने देखा होगा कि जितने भी बयान उनके आते हैं लगभग इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। हालांकि इस बार फिर उन्होंने विवादित बयान दे दिया है, और इस बयान की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि यूपी में चुनाव है और बिहार से के आसपास के जो सटे हुए जो इलाके हैं जहां पर चुनाव होंगे उसको प्रभावित करने की भी कोशिश होगी, खासतौर से बिहार से मैसेज देने की कोशिश होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही वजह है कि हरिभूषण ठाकुर ने ऐसा बयान दिया है, और आने वाले समय में ऐसे बयानों की कह सकते हैं बाढ़ सी आएगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले समय में ऐसे बयानों की बाढ़ आ सकती है। और आपने एक बहुत गौर करने वाली बात कही है कि देखिए चुनाव होते हैं ना तो ऐसे बयान निकलने लगते हैं, तो एक वोट बैंक होता है उसे साधने की कोशिश। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि वक्त की भी कमी है, लेकिन यह भी समझना होगा इस तरह के बयान जब भी आते हैं तो इसके बहुत सियासी मायने होते हैं, ऐसे इस तरह के बयान नहीं दिए जाते। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।